हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के दोस्तों भूगोल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। भूगोल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। और बिल्कुल सभी को हैप्पी होली, ठीक है। आप सभी को मेरी ओर से दोस्तों होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, ठीक है। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम भी चल रहे हैं तो फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। आज हमारी ज्योग्राफी की प्रमुख फराटेदार क्लास होगी, फराटेदार क्लास वन होगी। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा वो ये दे रखा कि भारत की पहली जनगणना जो है वो कब हुई थी। दोस्तों, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। भारत की पहली जनगणना कब हुई, सबको पता है दोस्तों भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। आप सभी को पता होगा 1872 में, 1872 में दोस्तों भारत की पहली जनगणना हुई थी। आपको पूछा जाए कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया, 1872 में किया गया था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, अगर यहाँ पर होता संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, संपूर्ण जनगणना, तो संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। कब हुई थी दोस्तों, 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। पहली जनगणना कब होती है, 1872 में। संपूर्ण जनगणना कब होती है, 1881 में। 1872 में पहली जनगणना होती है लेकिन ये कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थी, इसके बाद में संपूर्ण जनगणना 1881 में होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा प्रश्न पूछा है कि भारत की पहली जनगणना, जो भारत में जनगणना है ये कितने वर्ष के अंतराल में होती है। दोस्तों, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है, तो भारत में जनगणना दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल में होती है। कितने वर्ष के अंतराल में होती है भारत में जनगणना, 10 वर्ष के अंतराल में होती है। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। देखो, इसी क्वेश्चन में मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते चल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1872 में। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो 1881 में। तीसरा प्रश्न बनेगा कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है, तो भारत में जनगणना दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल में होती है। चौथा प्रश्न बनेगा कि बताओ जनगणना की बात हो रही है तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी क्या है, तो दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 102.7 करोड़, यानी 102 करोड़ है दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार। आपको पूछा जा सकता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी क्या है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है और यहां से एक नंबर वाला क्वेश्चन बन जाए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व। देखिएगा, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले, पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व को किसमें मापा जाता है, प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में। किसमें मापा जाता है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व। देखिएगा, जनसंख्या घनत्व को किसमें मापा जाता है, प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में, ठीक है। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या में यदि हम देश के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताओ, तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र है, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। परिभाषा आपको याद करनी है जनसंख्या की, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को किसमें मापा जाता है, तो जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है, तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना है, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा यहां पर क्वेश्चन है, श्रमजीवी जनसंख्या के आधार पर भारत की जनसंख्या को बांटा गया है। यानी कि दोस्तों, श्रमजीवी जनसंख्या के आधार पर भारत जनसंख्या के आधार पर भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है,
तो दोस्तों भारत की जनसंख्या को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से, मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले है मुख्य श्रमिक। कौन से श्रमिक दोस्तों? मुख्य श्रमिक, देखिएगा मुख्य श्रमिक। और दूसरे श्रमिक है दोस्तों सीमांत श्रमिक। कौन से श्रमिक है दोस्तों? सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक हो गए, सीमांत श्रमिक हो गए, और तीसरा हो गए दोस्तों ए श्रमिक। ठीक है, ए श्रमिक। अब आपको परिभाषा भी पूछी जा सकती है दोस्तों कि मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, ए श्रमिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? ऐसे श्रमिक। ठीक है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? परिभाषा देखिएगा, श्रमजीवी जनसंख्या के आधार पर भारत की जनसंख्या को बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और ए श्रमिक। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और ए श्रमिक। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? ऐसे श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन, यानी कि 183 दिन यानी 6 महीने काम करते हैं, जो 6 महीने काम करते हैं वे कहलाते हैं मुख्य श्रमिक। जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी 6 महीने काम करते हुए मुख्य श्रमिक कहलाते हैं, जो 183 दिन से कम दिन काम करते हैं वो कहलाते हैं सीमांत श्रमिक। और ए श्रमिक का मतलब देखो, ए का मतलब क्या हो गया? नहीं। ए का मतलब नहीं, और श्रमिक का मतलब श्रम, जो श्रम नहीं करते हैं। ठीक है, वो है ए श्रमिक, जो कुछ भी श्रम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रमुख पूछा जा सकता है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और ए श्रमिक। ये भारतीय जनसंख्या को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये पूछा जा सकता है, देखिएगा प्रश्न ऐसे पूछकर ना पूछकर ऐसे पूछा जा सकता है, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर गलत नहीं होना चाहिए। चलो देखिएगा आगे है, प्रवास क्या है, प्रकार और कारक लिखिए। प्रवास क्या है, देखिएगा सबसे पहले तो प्रश्न बन गया प्रवास क्या है। प्रवास का मतलब क्या है? प्रवास का मतलब होता है दोस्तों किसी स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, अपने इस स्थान को छोड़कर। ठीक है, अब पता नहीं यहाँ पर देखिएगा, मैं मान ले जाए यहाँ पर कोई बस्ती है। ठीक है, यहाँ पर देखो किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। अब सुविधा नहीं है, इस क्षेत्र को हम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रवास हो गया। प्रवास, प्रवास का मतलब क्या हो गया? एक या एक से अधिक व्यक्तियों का, एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर बसना, क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। और प्रवास को ही हम प्रवेशन भी कह सकते हैं, प्रवास को ही हम जनसंख्या का स्थानांतरण कह सकते हैं। प्रवास किसे कहते हैं? तो जनसंख्या का स्थानांतरण करना। ठीक है, जनसंख्या का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। बिल्कुल सरल से परिभाषा आप याद कर सकते हैं, जनसंख्या का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। ठीक है, चलो तो यह प्रवास क्या है, परिभाषा आपके समझ में आ गई। अब यहां पर दे रखा है प्रकार के, प्रवास के कितने क्या प्रकार हैं, वो प्रकार भी आप साथ में बता देता हूं। प्रवास के मुख्य रूप से दो प्रकार है दोस्तों। प्रवास के प्रकार कितने क्या हैं? तो प्रवास के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो है दोस्तों उत्प्रवास, देखिएगा एक है उत्प्रवास, उत्प्रवास, और दूसरा है अप्रवास। उत्प्रवास और अप्रवास का मतलब क्या हुआ, अभी मैं समझाता हूँ। और आगे दे रखा है प्रवास के प्रकार हो गए, प्रवास के कारक बताइए। तो प्रवास के कारक भी देख लेते हैं। कारक प्रवास के दो है दोस्तों, एक तो है अपकर्ष कारक। कौन सा कारक है दोस्तों? अपकर्ष कारक। और दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष और प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है, आप कारक कह सकते हैं या फिर कारण भी आप कह सकते हैं। प्रवास के कारण बताओ तो भी आप ये लिख सकते हैं। देखिएगा मैंने लिखा है प्रवास के प्रकार, तो देखिएगा प्रवास के प्रकार है, एक तो उत्प्रवास है एक अप्रवास है। उत्प्रवास का मतलब क्या हुआ? उत्प्रवास का मतलब हो गया जहां से हम जाते हैं, जिस स्थान को छोड़कर हम जा रहे हैं वो तो हो गया हमारा उत्प्रवास। ठीक है, जैसे मैं अभी मान लिया जाए मैं जयपुर में रहता हूँ। ठीक है, मैं जयपुर को छोड़कर, ठीक है, कई दूसरे जिले या राज्य में जा रहा हूँ, मैं जयपुर को छोड़ रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उत्प्रवास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने प्रारंभिक स्थान जहाँ पर मेरा जन्म हुआ मैं उस स्थान को छोड़कर जा रहा हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया? उत्प्रवास हो गया। और जिस स्थान पर मैं पहुँचा हूँ, ठीक है, जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अप्रवास कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ मैं बस गया। उत्प्रवास का मतलब क्या हो गया? जहाँ से हम जाते हैं, और अप्रवास का मतलब जहाँ हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए मैं इस स्थान को छोड़ूंगा। ठीक है, ये स्थान है, इस स्थान को मैं छोड़ रहा हूँ, ये जो स्थान है इसको मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये मतलब मैं उत्प्रवास कर रहा हूँ। और मैं इस स्थान पर पहुँच गया हूँ, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ? अप्रवास कर रहा हूँ। आगे बात समझ में, तो ये उत्प्रवास और अप्रवास ये पता होना चाहिए। अप्रवास का मतलब आते हैं और उत्प्रवास का मतलब जाते हैं। ठीक है, सीधा सा। अब देखो प्रवास के मुख्य रूप से कारक, प्रवास के मुख्य रूप से दो कारक हैं या फिर दो कारण हैं, एक तो है अपकर्ष कारक और दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष और प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है? अपकर्ष यानी अपनी ओर आकर्षित करना। अपकर्ष का मतलब हो गया अपनी ओर आकर्षित करना।
कोई भी क्षेत्र है, कोई भी राज्य है, कोई भी जिला है, ठीक है। गाँव में आपको पता होगा हम किसी स्थान को छोड़ते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, क्या पता वहाँ पर कोई आर्थिक संकट आया हो या फिर कोई किसी भी प्रकार की ये सुविधा होगी, ठीक है। तो देखो जिस स्थान को हम छोड़कर चले जाते हैं, जिस स्थान को हम छोड़कर चले जाते हैं वो तो उदाहरण होता है दोस्तों प्रतिकर्ष का, ठीक है। जिस स्थान को हम छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर क्यों जाते हैं, छोड़कर हम क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार ना होगा, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होगी, यहाँ पर सुविधाओं का अभाव होगा, इसीलिए तो हम छोड़ के चले जा रहे हैं। तो यहाँ जिस स्थान पर, जिस स्थान को हम छोड़कर जा रहे हैं वो तो हो गया हमारा प्रतिकर्ष, ठीक है, जा रहे हैं, और जहाँ हम पहुँचे हैं वो है अपकर्ष कारक, ठीक है। मान लिया जाए हम इस स्थान को छोड़कर जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, प्रतिकर्ष हो गया, और जिस स्थान पर हम पहुँचे हैं वो क्या हो गया, अपकर्ष हो गया। अब हम इसी स्थान पर ही क्यों पहुँचे, हम किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते थे, ठीक है, नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छी सुविधा होगी, इसीलिए। तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष का मतलब हो गया, अपकर्ष का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षित करने के पीछे रीजन ये है कि वहाँ पर शिक्षा मौजूद होगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होगी, ठीक है, इसी प्रकार से। और बाकी इसी का अपोजिट हो जाएगा प्रतिकर्ष कारक के अंदर, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से दोस्तों ध्यान रखना है, प्रवास क्या है, प्रवास के प्रकार, प्रवास के मुख्य रूप से कारक, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण नगरी बस्तियों में अंतर बताते हुए ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण बस्तियों और शहरी बस्तियों या नगरीय बस्तियों के बीच अंतर हमें बताना है, फिर हमें ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताने हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, देखिएगा, ठीक है। देखो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच अंतर, ग्रामीण बस्तियों में आप सब जानते हैं ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है, ग्रामीण जो बस्तियां हैं वो प्राथमिक क्रिया पर आधारित होती है, प्राथमिक क्रिया पर आधारित होती है, और नगरीय जो बस्तियां हैं वो क्या करती है, नगरीय बस्तियां ये द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप पर आधारित होती है, व्यापार करती है, विनिर्माण इस प्रकार से क्रियाएं करती है, ठीक है। पहला अंतर तो ये हो गया, प्राथमिक क्रियाएं जो है वो कृषि कार्य करती हैं, ठीक है, पशुओं को पालती हैं, और द्वितीयक जो नगरीय बस्ती है ये क्या करती है, ये उद्योग धंधों पर ज़्यादा बल देती है, ठीक है। तो दो अंतर ये हो गए। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि जो प्राथमिक जो ग्रामीण बस्ती है, ग्रामीण जो बस्ती है वहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य सेवा और रोजगार का अभाव होता है, और नगरीय बस्तियों में शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार का अभाव नहीं होता है। ग्रामीण बस्तियों में आप अंतर लिख सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक बंधन अच्छे होते हैं जबकि नगरीय बस्तियों में सामाजिक बंधन अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आप इनके बीच अंतर लिख सकते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में थोड़ा बहुत अंतर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। चलो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताओ। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो ग्रामीण बस्तियों के चार प्रकार हैं, एक तो गुच्छित बस्ती है, एक अर्धगुच्छित बस्ती है, एक पल्ली बस्ती है, एक अपने प्रक्षिपित बस्ती है। तो चार बस्ती है मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ दोस्तों, अब 100% यहाँ से प्रश्न बनने वाला है, देखिएगा। चार प्रश्न जो ग्रामीण बस्ती के यहाँ पर प्रकार पूछा है, ग्रामीण बस्ती के प्रमुख प्रकार, तो प्रमुख प्रकार आपको ध्यान रखना है, मैं दोस्तों यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहला प्रकार हो गया गुच्छित बस्ती। अब गुच्छित बस्ती हो गई गुच्छित बस्ती, दूसरे है दोस्तों हमारे गुच्छित बस्ती के बाद में अर्धगुच्छित बस्ती, ठीक है, अर्धगुच्छित बस्ती। और तीसरा प्रकार आप लिख सकते हैं पल्ली बस्ती, कौन सी बस्ती है, पल्ली बस्ती। और चौथा है प्रक्षिपित बस्ती, ठीक है, कौन सी बस्ती है, प्रक्षिपित, ठीक है, प्रक्षिपित बस्ती। अब देखिएगा मैं इनको समझाता हूँ बिल्कुल आसान से। देखो गुच्छित बस्ती का मतलब क्या हो गया, गुच्छित बस्ती इस बस्ती को हम समझते हैं, गुच्छित बस्ती में क्या होता है, इसमें घर बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, घर बहुत पास पास होते हैं, इस तरीके से घर बहुत पास पास होते हैं। और ये आयताकार होती हैं दोस्तों, किस प्रकार होती है, आयताकार होती है, रेखिक और अरी आकार की होती हैं। और जो गुच्छित बस्ती इसमें घर बहुत पास पास होते हैं, ये आयताकार होती है, रेखिक अरी आकार की होती है। इसके अलावा जो गुच्छित बस्ती है ये कहाँ पाई जाती है, गुच्छित बस्ती उदाहरण पूछ लिया जाता है कि गुच्छित बस्ती का उदाहरण बताओ, तो बुंदेलखंड, देखिएगा बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड और नागालैंड में ये बस्ती पाई जाती है, कौन सी, गुच्छित बस्ती। और अर्धगुच्छित की यदि मैं बात करता हूँ, अर्ध का मतलब होता है आधी बस्ती, यानी कोई बड़ा गांव है और बड़े गांव के टूटने के कारण जो बस्ती बनती है वो अर्धगुच्छित बस्ती है, बड़े गांव के टूटने के कारण ये बस्ती बनती है अर्धगुच्छित बस्ती। और अर्धगुच्छित बस्ती का उदाहरण आपको पूछा जाए तो एक तो राजस्थान है, अपना राजस्थान, ठीक है, और एक है गुजरात।
गुजरात और राजस्थान ही दोस्तों आप लिख सकते हैं, ये अर्धगुच्छित बस्ती के उदाहरण हैं। इसके बाद है पल्ली बस्ती। पल्ली बस्ती की यदि मैं बात करता हूँ, पल्ली बस्ती का नाम कैसे पड़ा, देखिएगा पल्ली बस्ती, ये बस्ती होती, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण तब होता है जब ये बस्ती भौतिक रूप से अलग हो जाती है। भौतिक रूप से अलग होने का मतलब हो गया यानी बस्तियों के बीच में से नदी निकल जाना, ठीक है। अगर कोई बस्ती है उसमें से नदी निकल गई बीच में से, तो अलग अलग बढ़ जाएगी ये, ठीक है। लेकिन बस्ती का नाम वही रहेगा, बस्ती तो वही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग तो हो जाएगी, लेकिन बस्ती का नाम वही रहेगा। यानी जो भौतिक रूप से अलग हो जाती है वो है पल्ली बस्ती। अब पल्ली बस्ती के जैसे अन्य नाम आप लिख सकते हैं, पाड़ा, पाना, ढाणी, नगला, ठीक है। पाड़ा, देखिएगा नाम है पल्ली बस्ती के, आपको ध्यान रखना है, पाड़ा है, ठीक है, पाना है, इसके अलावा ढाणी है, ढाणी, नगला है, ये प्रमुख दोस्तों क्या है, पल्ली बस्ती के प्रमुख उपनाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रक्षिपित बस्ती की यदि मैं बात करता हूँ, प्रक्षिपित बस्ती, प्रक्षिपित, प्रक्षिपित का मतलब यानी प्रक्षिपित यानी एकाकी बस्ती, इसी का दूसरा नाम है एकाकी बस्ती। कौन सी बस्ती है दोस्तों, एकाकी बस्ती। एकाकी बस्ती का मतलब हो गया इसमें जो है, ये बस्ती जो है इसमें घर जो है वो दूर दूर होते हैं, दूर दूर एकांत में होते हैं, इसमें घर बहुत दूर दूर होते हैं, पास में नहीं होते, घर बहुत दूर दूर होते हैं, एकांत में होते हैं, ठीक है। और ये जो प्रक्षिपित बस्ती है ये कहाँ देखने को मिलती है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे वीडियो समाप्त होते ही, ठीक है। प्रक्षिपित बस्ती का उदाहरण आप मुझे बताएंगे कहाँ मिलती है प्रक्षिपित बस्ती, ठीक है, आप सभी बताएंगे मुझे कमेंट में। हिमाचल प्रदेश में मिलती है वैसे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, चलो फिर भी आप मुझे कमेंट बताना। प्रक्षिपित बस्ती, इसे एकाकी बस्ती के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन था, ग्रामीण तथा नगरीय बस्ती में अंतर बताते हुए ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार लिखिएगा। मैं बड़े क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इन कॉपी में आसानी से भर सके दोस्तों, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। छठा मैंने क्वेश्चन लिया है, गैरीशन नगर का उदाहरण बताओ। देखिएगा गैरीशन नगर किसे कहते हैं, गैरीशन नगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह तो आपको पूछा जा सकता है गैरीशन नगर कहते किसे हैं, या फिर गैरीशन नगर का उदाहरण बताओ, ठीक है। तो गैरीशन नगर किसे कहते हैं, जो छावनी नगर होते हैं, छावनी नगर, छावनी नगर, बड़े बड़े जो छावनी नगर होते हैं उनको बोलते हैं गैरीशन नगर, ठीक है। गैरीशन नगर किसे कहते हैं, तो छावनी नगर, वो किसको कहते हैं, छावनी नगर को गैरीशन नगर कहते हैं। और छावनी नगर या गैरीशन नगर के प्रमुख हमें क्या पूछा है, उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण आप लिख सकते हैं जैसे अंबाला, ठीक है, अंबाला हो गया, इसके अलावा जालंधर हो गया, जालंधर, ये प्रमुख उदाहरण है दोस्तों, ठीक है, गैरीशन नगर के। आगे बात समझ में, इसके अलावा है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं। जो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है ये 2002 की, इसकी विशेषता क्या है आपको पता है, यहाँ पर एक शब्द आया है जल, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी, 2002 के अंदर, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002, विशेषता आपको पूछी है, आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है, विशेषता तो अपने मन के अनुसार लिखना है, अपने मन से, आपके माइंड काम करता है वो अपने आप लिखेंगे बिल्कुल, के भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की जो प्रमुख विशेषता है वो है पानी को बचाना, यही तो विशेषता है, ठीक है, पानी को बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को प्रदूषित होने से बचाना। पहली विशेषता आप ये लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय जल नीति में कि भाई इसमें क्या है, इसमें जैसे भूजल, जो भूमजल है, भूमजल इसका कम उपयोग करना, भूमजल का कम उपयोग करना, और धरातलीय जल और भूमजल की समय समय पर जांच की जाए, और जो जल को प्रदूषित होने से बचाना, और सभी घरों में पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना, ठीक है, और जो संदूषित जल है उसको, संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना, ठीक है, जो प्रदूषित जल है उसको स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना, ठीक है। तो ये प्रमुख आप अपने मन के अनुसार आप लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन लिया है खनिज किसे कहते हैं और प्रकारों के नाम बताओ। खनिज किसे कहते हैं, खनिज के प्रमुख प्रकारों के नाम बताओ। सबको पता है खनिज कहते किसे हैं, भूमि के अंदर खड्डा खोदो, भूमि के अंदर खनन क्रिया करो, वही तो है खनन, जो निकलते हैं रासायनिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ। यानी आप लिखेंगे परिभाषा कैसे लिखनी है, खनिज किसे कहते हैं, तो भूमि से खनन क्रियाओं के द्वारा निकले गए भौतिक एवं रासायनिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हैं वो खनिज कहलाते हैं। परिभाषा याद कर ली। अब खनिजों के प्रकार पूछा कि खनिजों के कितने क्या प्रकार हैं, तो खनिजों के दो प्रकार हैं, एक धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक खनिज है। पहला धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश की प्रधानता होती है,
धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश की प्रधानता होती है, जैसे जैसे आप लिखेंगे एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, और इसके अलावा टंगस्टन हो गया, सोना चांदी, ये क्या है सोना चांदी, ये सब जो है वो क्या है, धात्विक खनिज है। धात्विक खनिजों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो लोहे धातु प्रधान, एक एलोहे धातु प्रधान। लोहे धातु प्रधान में जैसे लोहे के अंश की प्रधानता होती है, और एलोहे धातु प्रधान में जैसे लोहे के अंश की प्रधानता नहीं होती है। लोहे धातु प्रधान में के उदाहरण जैसे मैं बात करता हूँ निकेल है, कोबाल्ट है, ठीक है। तो आपको सीधा से ध्यान रखना है खनिज किसे कहते हैं, तो भूमि से खनन क्रियाओं के द्वारा निकले गए भौतिक एवं रासायनिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी है वो खनिज कहलाते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में? जैसे अधात्विक खनिजों का उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, ठीक है, हीरा हो गया, पन्ना हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, ठीक है, इस तरीके से ये प्रमुख उदाहरण आपको लिखने हैं। तो दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन था खनिज किसे कहते हैं, प्रकारों के नाम बताओ, ये हो गया समझ में। अब देखो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो देखो मैंने यहाँ पर कारक लिख रखा, सबसे पहला कारक है कच्चा माल, कच्चा माल, ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है शक्ति, ठीक है, शक्ति, और दूसरा परिवहन है, और चौथा है बाजार, और पांचवा है श्रम। तो ये प्रमुख उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब इन पहले पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, फिर इनसे संबंधित जो जो बातें आपको याद हैं, जो आपने पढ़ी हैं, मन के अनुसार आप लिखेंगे, ठीक है। आगे बस सबसे पहला पॉइंट बाजार, क्या पहला पॉइंट क्या दे रखा, कच्चा माल यानी कच्चे माल की उपलब्धता। फिर पहला पॉइंट लगातार पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, सबसे पहला कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा श्रम, तीसरा परिवहन, चौथा इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट, फिर इनको एक एक उठाना है, फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आगे मैंने क्वेश्चन लिया है बोखारो कारखाना किसके सहयोग से बनाया गया, बोखारो जो कारखाना है, बोखारो कारखाना ये किसके सहयोग से बनाया गया, एक बार मैं देख लेता हूँ दोस्तों आपको स्पष्ट नजर आ रहा है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सभी को स्पष्ट नजर आ रहा है, 22 मिनट का हो गया है वीडियो। देखो बोखारो कारखाना मैं यहाँ पर अब मिटा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा के इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। बोखारो कारखाना किसके सहयोग से बना, तो रूस के सहयोग से बना, किसके सहयोग से बना, रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से बना था। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, मिटाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, अच्छे से समझाता हूँ प्रमुख कारखाने किस प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं। देखिएगा ठीक है, अब कारखाने से संबंधित आपके जो प्रश्न आए वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी प्रश्न आ जाए तो ये ट्रिक टेक देना दोस्तों, आपका राइट होगा। चलो ट्रिक क्या है, ट्रिक है बोरू, ठीक, बोरू भीरू, कई बार मैंने लाइव में भी बताया है, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, बोझ से ध्यान रखना, बोखारो कारखाना, कौन सा कारखाना है, बोखारो कारखाना, बोखारो कारखाना, कारखाना लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं यह लिख रहा हूँ बोखारो कारखाना है, कहाँ पर ये झारखंड में है, कहाँ है दोस्तों, झारखंड राज्य के अंदर बोखारो कारखाना। रूस से क्या हो गया, रूस हो गया, रूस क्या हो गया दोस्तों, रूस। भी से आपको ध्यान रखना भिलाई कारखाना, कौन सा कारखाना, भिलाई कारखाना, ठीक है, मैं कारखाना नहीं लगा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना भिलाई कारखाना हो गया। और किस, ये कहाँ पर है दोस्तों भिलाई कारखाना, ये भिलाई कारखाना कहाँ, छत्तीसगढ़ में, कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। और रूस आपको ध्यान रखना, रूस, रूस के सहयोग से बना था भिलाई कारखाना, ठीक है। और दूबे, दूसरे आपको ध्यान रखना दुर्गापुर कारखाना, कौन सा कारखाना, दुर्गापुर कारखाना, दुर्गापुर कारखाना है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर कारखाना है। और किसके सहयोग से बना था, ब्रिटेन के सहयोग से, किसके सहयोग से बना था, ब्रिटेन के सहयोग से। राज से, राज आपको ध्यान रखना राउरकेला कारखाना, राउरकेला कारखाना, राउरकेला कारखाना कहाँ है, उड़ीसा में है, कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में, उड़ीसा में, किसके सहयोग से बना था, जर्मनी के सहयोग से बना था, किसके सहयोग से बना था, जर्मनी के सहयोग से। तो कुछ नहीं ध्यान रखना, बोरू भीरू दुबे राज, यही तो याद करना है, ठीक है। बो से बोखारो कारखाना रूस के सहयोग से बना था, झारखंड में है, भिलाई कारखाना छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से बना था, दुबे, दूसरे दुर्गापुर कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से बना था, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना था। ट्रिक आसान है, अगर कोई नहीं, बिल्कुल है।
अब देखो जो बोखारो कारखाना है ये एकमात्र कारखाना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया। किस योजना के तहत बनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा कारखाना बनाया गया? बोखारो कारखाना। किसका निर्माण हुआ, बनाया किया गया, किसका निर्माण हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बोखारो कारखाना का निर्माण हुआ। इसके अलावा भिलाई कारखाना, दुर्गापुर कारखाना और राउरकेला कारखाना, ये तीनों जो कारखाना, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत इनका निर्माण हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों ये मैंने छोटी सी ट्रिक है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, बिल्कुल 23-24 मिनट का है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है? तो बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में मुझे बताना है। और बाकी दोस्तों अपने मन की राय देनी है दोस्तों कि मैं बोर्ड पर क्लास लूं, ये आपके लिए बेहतर साबित है या नहीं है, क्या आगे भी मैं इसी प्रकार की क्लास लेके आऊं, मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।